हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सरयू यमुना एक्सप्रेस, जो कि बिहार के जयनगर से अमृतसर के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सरयू यमुना एक्सप्रेस, जो कि जयनगर से अमृतसर के बीच में चलती है। हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये जयनगर से अमृतसर के बीच में चलती है। अगर हम बात करें इसके रूट मैप के बारे में, तो ये जो ट्रेन है जयनगर बिहार से मधुबनी, दरभंगा, लखनऊ, नई दिल्ली, जलंधर होते हुए ये अमृतसर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। सरयू यमुना एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 14649 और ये जो ट्रेन है 40 घंटे 40 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है जयनगर से अमृतसर के बीच में, और हफ्ते में 3 दिन चलती है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जयनगर से हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को चलती है और इसके तकरीबन 62 स्टेशन हैं और 1671 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है तकरीबन 41 किलोमीटर पर आवर। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसे नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और इसमें अगर कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें ICF के नॉर्मल कोचेस जो है दिए गए हैं, और ये जो ट्रेन है ट्राई वीकली ट्रेन है। अगर हम बात करें सरयू यमुना एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में, तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो सरयू यमुना एक्सप्रेस का जयनगर से अमृतसर तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लें। सेकेंड AC का जो किराया है वो है 2505 रुपये, थर्ड AC का जो किराया है वो है 1705 रुपये और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 635 रुपये। जनरल अंडर रिजर्व डिब्बो का जो किराया है वो है 360 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सरयू यमुना एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं जयनगर से अमृतसर तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दोस्तों, सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो जयनगर से हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये जयनगर बिहार से सुबह 7:15 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 62 स्टेशन हैं अमृतसर तक। उसके बाद जो दूसरा स्टेशन आता है वो है खजौली। खजौली में यह सुबह 7:26 पे पहुंचती है और 7:28 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है राजनगर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 7:38 पे और 7:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मधुबनी स्टेशन में पहुंचती है। मधुबनी स्टेशन में ये सुबह 7:52 पे पहुंचती है और 7:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और 31 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है यहां तक। उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन पंडौल में पहुंचती है। पंडौल में ये ट्रेन जो है सुबह 8:09 पे पहुंचती है और 8:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन सकरी जंक्शन में पहुंचती है। सकरी जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 8:25 पे पहुंचती है और 8:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तरसराय स्टेशन में पहुंचती है। तरसराय स्टेशन में सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है सुबह 8:33 पे पहुंचती है और 8:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कक्कर घाटी स्टेशन में पहुंचती है सुबह 8:42 पे और 8:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दरभंगा जंक्शन में पहुंचती है। दरभंगा जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 9 बजे पहुंचती है और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये लहरिया सराय स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:18 पे और 9:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हाया घाट स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:29 पे और 9:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है समस्तीपुर जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ये 10:30 पे पहुंचती है और 10:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है रिवर्स भी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुजफ्फरपुर जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:45 पे और 11:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:45 पे और 12:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोनपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1 बजे और 1:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है छपरा जंक्शन में पहुंचती है
दोपहर के 2:20 और 2:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और 1 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सुरमैनपुर में पहुंचती है दोपहर के 2:55 पे और 2:57 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शहतवार स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 3:14 पे और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बलिया स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 3:50 पे और 3:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो रसरा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:33 पे और 4:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है इंदारा जंक्शन में पहुंचती है। इंदारा जंक्शन में ये शाम के 5:05 पे पहुंचती है और 5:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मऊ जंक्शन में पहुंचती है शाम के 5:20 पे और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मोहम्मदाबाद स्टेशन में पहुंचती है। मोहम्मदाबाद स्टेशन में ये शाम के 6:04 पे पहुंचती है और 6:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये साथियों स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:16 पे और 6:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आजमगढ़ में पहुंचती है शाम के 6:35 पे और 6:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सराय मीर स्टेशन में पहुंचती है। सराय मीर स्टेशन में ये शाम के 7:04 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। खुरासन रोड में ये 7:23 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये शाहगंज जंक्शन में पहुंचती है रात के 8:05 पे और 8:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 25 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अकबरपुर जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:08 पे और 9:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो अयोध्या जंक्शन में पहुंचती है रात के 9:51 पे और 9:53 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फैजाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 10:15 पे और 10:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रुदौली स्टेशन में पहुंचती है। रुदौली स्टेशन में ये 10:51 पे पहुंचती है और 10:53 पे रात को वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन बाराबंकी जंक्शन में पहुंचती है। बाराबंकी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 10:53 पे पहुंचती है और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लखनऊ चारबाग स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:45 पे और 12:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। यहां पर ये ट्रेन जो है 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शाहजहानपुर में पहुंचती है रात के 3:21 पे और 3:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बरेली जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:23 पे और 4:26 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आकर रुकती है और 1035 किलोमीटर की जर्नी जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रामपुर जंक्शन में पहुंचती है। रामपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 5:23 पे पहुंचती है और 5:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है। मुरादाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 6:10 पे पहुंचती है और 6:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो अमरोहा स्टेशन में पहुंचती है। अमरोहा स्टेशन में ये 6:45 पे पहुंचती है और 6:47 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हापुर जंक्शन में पहुंचती है। हापुर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 7:50 पे पहुंचती है और 7:52 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गाजियाबाद जंक्शन में पहुंचती है सुबह 9:13 पे और 9:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो पुरानी दिल्ली स्टेशन या ओल्ड दिल्ली जंक्शन में पहुंचती है 10:20 पे और 10:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 30 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दिल्ली के ही सब्जी मंडी स्टेशन में पहुंचती है
सुबह 11:09 पे और 11:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा का जो पहला स्टेशन है वो है सोनीपत। सोनीपत जंक्शन में ये ट्रेन जो है 12:00 पहुंचती है और 12:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पानीपत जंक्शन में पहुंचती है 12:40 पे और 12:42 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करनाल जंक्शन में पहुंचती है। करनाल जंक्शन में ट्रेन जो है 12:10 पे पहुंचती है और 12:12 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कुरुक्षेत्र जंक्शन में पहुंचती है। कुरुक्षेत्र जंक्शन में ट्रेन जो है 12:05 पे पहुंचती है और 12:07 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन जो है रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंबाला कैंट जंक्शन में पहुंचती है 3:30 पे और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के आखिरी स्टेशन अंबाला सिटी जंक्शन में पहुंचती है 3:47 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब का जो पहला स्टेशन है वो है राजपुरा जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन जो है 4:04 पे पहुंचती है और 4:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सरहंद जंक्शन में पहुंचती है 4:45 पे और 4:51 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 6 मिनट का स्टॉप है। सरहंद जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है मंडी गोविंदगढ़ स्टेशन में पहुंचती है 4:58 पे और 2 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन खन्ना स्टेशन में पहुंचती है। खन्ना स्टेशन में ये सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है 5:08 पे पहुंचती है और 5:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दोराहा में पहुंचती है 5:35 पे और 33 मिनट पे और 5:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन में पहुंचती है 7:53 पे और 8:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फिलौर जंक्शन में पहुंचती है। फिलौर जंक्शन में ट्रेन जो है 8:18 पे पहुंचती है और 8:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फगवाड़ा जंक्शन में पहुंचती है। फगवाड़ा जंक्शन में ये ट्रेन जो है 9:21 पे पहुंचती है और 9:23 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर कैंट या जलंधर छावनी में पहुंचती है 9:46 पे और 9:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन में पहुंचती है 10:03 पे और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 7 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है करतारपुर स्टेशन में पहुंचती है 10:23 पे और 10:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन ब्यास जंक्शन में पहुंचती है 10:48 पे और 10:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन पंजाब का जो इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है वो है अमृतसर जंक्शन। सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है यहाँ पर 11:55 पे पहुंचती है और 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो जर्नी है ये जयनगर से अमृतसर तक की वो 1668 किलोमीटर की ट्रेन जो है कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और मेरे को अगर आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके इंडियन रेल मुसाफिर लिख के सर्च कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। और आप यूट्यूब पर भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पर मैं वीडियो बनाऊँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते